हेलो गाइस, आज है फ्राइडे, आज है एमसीक्यू, सॉरी नॉट एमसीक्यू, केस स्टडी का डे। आज हम लोग करेंगे केस स्टडी का डे, फिफ्थ पार्ट। एक्चुअली सिक्स पार्ट होना चाहिए था, लेकिन हम लोगों ने वेडनेसडे का क्लास नहीं किया, वो मेरा कुछ हेल्थ इश्यू हो रखा था, तो जिस वजह से मैं वेडनेसडे का क्लास मुझे स्किप करना पड़ा। लेकिन आज फ्राइडे है, आज इम्पोर्टेंट डे है, आज हम लोग डिस्कस करेंगे केस स्टडी, जो काफी इम्पोर्टेंट होता है। तो आप लोग मेरे साथ जुड़ो केस स्टडी के लिए, एंड अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो कमेंट में बताओ, और अगर दिक्कत होता है कोई भी टॉपिक में तो वो भी कमेंट में बताओ, तो मैं इसे रेक्टिफाई करने की कोशिश करूंगा। तो चलते हैं आज फिफ्थ पार्ट केस स्टडी के लिए। तो हमारा पहला केस स्टडी देखते हैं क्या है। यस, ये हमारा पहला केस स्टडी, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको। दिया गया द टेबल गिवन बिलो शोज द डिस्टेंस इन किलोमीटर्स बिटवीन फोर विलेजेस ऑफ अ स्टेट। किसी एक स्टेट के चार विलेजेस के बीच में जो डिस्टेंसेस है वो सारे डिस्टेंस दिए गए हैं। टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू विलेज लोकेट द स्क्वायर वेयर द रो ऑफ वन विलेज एंड द कॉलम ऑफ अदर विलेज इंटरसेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, आपको सोनापुर से रामगढ़ का डिस्टेंस चाहिए, तो सोनापुर के रो से आप रामगढ़ के कॉलम को इंटरसेक्ट कराओ तो आपको क्या मिल रहा है, ये। आप सोनापुर से यहाँ आओ और रामगढ़ से डाउन जाओ तो कहाँ मीट कर रहे, इस जगह मीट कर रहे, तो ये भी होता है सोनापुर और रामगढ़ के बीच का डिस्टेंस। वही मान लो हिमगांव के बीच में और आपको रावलपुर के बीच में डिस्टेंस चाहिए, तो आप हिमगांव से इधर आ जाओ और रावलपुर से डाउन साइड आ जाओ तो आप कहाँ मीट कर रहे हो, यहाँ पे मीट कर रहे हो, तो ये हो गया हिमगांव और रावलपुर का बीच का डिस्टेंस। यही यहाँ पे बोला, टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू विलेजेस लोकेट द स्क्वायर वेयर द रो ऑफ वन विलेज एंड द कॉलम ऑफ अदर विलेज इंटरसेक्ट। जैसे रो ऑफ हेमगांव एंड कॉलम ऑफ रामगांव इंटरसेक्ट, ये कहाँ इंटरसेक्ट हो रहा है, वो जगह, वो जो वैल्यू है वो डिस्टेंस शो करता है उन पर्टिकुलर विलेजेस के बीच में, ठीक है। तो आपको इस तरह से इस चार्ट को देख के डिसाइड, मतलब आपको डिस्टेंस फाइंड करना है इस चार्ट में से, विलेजेस के बीच में से, और सवालों के जवाब देने हैं। पहला सवाल, कंपेयर द डिस्टेंस बिटवीन हिमगांव एंड रावलपुर टू सोनापुर टू रामगढ़। तो हिमगांव और रावलपुर का हम पहले यहाँ पे डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हिमगांव से आप आ जाओ रो वाइज रावलपुर तक, ठीक है, यहाँ से हिमगांव से निकले और रावलपुर से आप ऐसे आ जाओ तो दोनों का इंटरसेक्शन होता है यहाँ पे, तो ये हो गया आपका 98 3/4, ठीक है, ये वाला डिस्टेंस इन किलोमीटर। नाउ नेक्स्ट क्या बोला यहाँ पे, नेक्स्ट आपका हो गया सोनापुर एंड रामगढ़, सोनापुर और रामगढ़, तो सोनापुर यहाँ और रामगढ़ यहाँ पे, तो ये जगह, ये डिस्टेंस आप यहाँ पे नोट कर लो 40 एंड 2/3 किलोमीटर, ठीक है। और हमें क्या करना है, अभी कंपेयर करना है इन दोनों को, ठीक है, तो हम कंपेयर करते हैं इनको, ठीक है, कंपेयर करते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो हमें यहाँ पर देखना है कौन, कंपैरिजन में ये भी बताना, देखो कौन सा डिस्टेंस ज्यादा है, सिर्फ इतना बताने से नहीं होगा, कंपेयर में आपको ये भी बताना होगा कि कितना ज्यादा है, ठीक है। तो हम कंपेयर करके ये बताएंगे कि ये जो हिमगांव और रावलपुर का जो डिस्टेंस है 98 किलोमीटर अप्रॉक्स, वो सोनापुर और रामगढ़ के जो बीच का डिस्टेंस है उससे कहीं ज्यादा है, राइट, बट कितना ज्यादा ये हमें बताना पड़ेगा, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों को माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो 42/3 तो आपको माइनस करना पड़ेगा। आज मैं आप लोगों को एक माइनस करने का एक अनोखा तरीका दिखाता हूँ, राइट। तो आप पहले ऐसा लिखो 98 + 3/4 लिखो, ब्रैकेट में डालो, माइनस इसको भी आप ब्रैकेट में डालो, 40 + 2/3 लिखो, ठीक है। मिक्स फ्रैक्शन को आप प्लस करके स्प्लिट कर सकते हो, देन ब्रैकेट को ओपन करो 98 + 3/4, फिर यहाँ भी माइनस से ब्रैकेट ओपन करो, -40, देखो माइनस से ब्रैकेट को ओपन करने से साइन चेंज होता है, ये +40 था माइनस हो गया, एंड 2/3 जो कि पहले प्लस था अब ये माइनस हो जाएगा। जब भी आप माइनस से ब्रैकेट ओपन करते हो ना तो उनके जो साइन होता है वो चेंज हो जाते हैं, ठीक है, ये चेंज हो गया। अब आप सॉल्व करो, ये जो होल नंबर्स हैं इनको आपस में सॉल्व करो और जो रैशनल नंबर्स हैं इनको आपस में सॉल्व करो, 3/4 और -2/3, ठीक है। तो ये आप सब्ट्रैक्ट अगर करते हो तो यहाँ पे आपको मिलता है 58, राइट, सही है ना, 58
58, और प्लस इसका आप एलसीएम लेके सॉल्व करो। मैं रफ में एक बार एलसीएम कर देता हूँ, 12 आता है एलसीएम 4 और 3 का, तो ये 3 9 हो जाएगा और ये 4 2 8 हो जाएगा, मतलब यहाँ निकल रहा है 1/12, तो आप यहाँ लिख लो 1/12। दोबारा प्लस हो गया तो आप इनको रिटर्न एक्सप्रेशन में लिख दो 58.5 किलोमीटर। तो आप अभी क्या लिखोगे इसमें, द डिस्टेंस बिटवीन, मैं बोल रहा हूँ नोट कर लेना आप लोग, द डिस्टेंस बिटवीन हिंगाव एंड रावलपुर इज मोर देन द डिस्टेंस बिटवीन सोनापुर एंड रामगढ़ बाय 58.5 किलोमीटर। रिपीट बोल रहा हूँ, द डिस्टेंस बिटवीन हिंगाव एंड रावलपुर टू सॉरी डिस्टेंस बिटवीन हिंगाव एंड रावलपुर इज मोर देन द डिस्टेंस बिटवीन सोनापुर एंड रामगढ़ बाय 58.5 किलोमीटर। अब वीडियो एक बार रिपीट करके इस स्टेटमेंट को सुन लेना, इस तरह से आप कंक्लूजन को यहाँ पर लिख देना, ठीक है, इस तरह से जवाब देना। ये मैंने कैलकुलेशन आपको दिखाया है कैसे निकालना है, ठीक है, तो ये आप कैलकुलेट करके निकाल लेना कैसे आपको दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना है, ठीक है। अदरवाइज आप लोग जो नॉर्मल तरीका करते हो वो तो कर ही सकते हो, आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में इम्प्रोपर, मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रोपर कर दो, इसे भी आप मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रोपर कर दो एंड दोनों को एलसीएम लेके माइनस करो, ये भी एक तरीका है, आप ऐसे भी कर सकते हो, तो आप अपने हिसाब से इसको माइनस कर सकते हो, एंड ये भी एक तरीका मैंने आपको दिखाया सब्ट्रैक्ट करने का। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, इफ यू ड्रोव फ्रॉम हिमगांव टू सोनपुर, तो ये हिमगांव है, यहां से आपको कहाँ जाना है, सोनपुर जाना है, ठीक है, तो हिमगांव से ऐसे जाओ सोनपुर से ऐसे आओ, कहाँ पे मीट हो रहा है, कहाँ इंटरसेक्ट हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है, तो ये जो हिमगांव और सोनपुर है इसके बीच का डिस्टेंस हो रहा है 105/6 किलोमीटर, ठीक है। और उसके बाद देन फ्रॉम सोनपुर टू रावलपुर, फिर आप कहाँ जा रहे हो, सोनपुर से आप रावलपुर जा रहे हो, ये सोनपुर है ये रावलपुर है, तो आपको और कितना जाना है, 16.5 किलोमीटर और जाना है, तो 16.5 किलोमीटर और गए। अब सवाल पूछा हाउ फार यू ड्राइव, और कितना आपने फिर ड्राइव किया, तो आपको पहले जाना है हिमगांव से सोनपुर, सोनापुर जाना है, और सोनापुर से आपको कहाँ जाना है, रावलपुर जाना है, तो इस हिमगांव से सोनापुर आपका 105/6 किलोमीटर आता है, और सोनापुर से रावलपुर आपका 16 1/2 किलोमीटर आता है, तो आपको क्या करना है, इसको प्लस कर देना है, तो सेम तरीके से आप प्लस कर सकते हो, 100 और 16 आपस में प्लस कर लो, ठीक है, और यहाँ पे जो है 5/6 और हाफ भी आप अलग से प्लस कर लो, 5/6 और हाफ आप प्लस कर लो, तो यहाँ पे हो गया 116, और यहाँ पे अगर आप करते हो तो ये करीबन करीबन आपका एलसीएम हो जाएगा 6 और ये 5 और यहाँ पे 3, तो 8/6 हो रहा है, तो 116 प्लस 8/6, अब इसका भी आप एलसीएम कर सकते हो, एलसीएम 6 आ जाएगा यहाँ पे, 6 6 36, 6 9 और 6 1, ठीक है, तो प्लस यहाँ पे 8, तो यहाँ पे आपका बन जाएगा 14 07/6, ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन में अगर हम इसे कन्वर्ट कर दे तो 6 11 66, ये तो एग्जैक्टली डिविजिबल हो रहा है, नहीं, सॉरी एग्जैक्टली कांट डिविजिबल हो रहा है, तो 6 11 66 70 से 66 माइनस करो 4 44 आ रहा है, तो 44 6 7 जा 42 तो 2 बचा क्योंकि 44 है, तो ये आपका आ गया, इसमें हल्का सा कैंसलेशन आपका बन रहा है, तो 117 1/3, 2 से कैंसलेशन बन रहा है ना, इसमें 3, तो 117 1/3 किलोमीटर, तो ये आपका टोटल डिस्टेंस हो जाता है यहाँ पे, ठीक है, ये टोटल डिस्टेंस हो जाता है। मैं आपको एक तरीका और दिखाता हूँ, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया, यहाँ तक आप पहुंच गए ना, आप इसका मिक्स फ्रैक्शन निकालो, ठीक है, 8 को अगर आप 6 से डिवाइड करते हो, 6 1 6, तो आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है, राइट, तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं, 1 रिमाइंडर को ऊपर नीचे 6, तो ये कैंसलेशन कर दो 1 और 3, तो क्या निकल के आ रहा है, 1 1/3 निकला, ये तो 1 रहेगा ही, बस इसका कैंसलेशन हो रहा, तो 1/3 1/3 आ गया ना, और यहाँ पे अगर ये जो वैल्यू है मैं इस चीज को यहाँ कंटिन्यू कर रहा हूँ, ठीक है, आपका क्या वैल्यू आया, 1 1 6 और प्लस 8/6 आया था ना, तो 8/6 पे आप इस वैल्यू को लिखो, ये वाला वैल्यू को 8/6 की जगह क्या आया, 1 और 1/3, राइट। अब मैंने आप लोग को पिछले समय बताया कि मिक्स फ्रैक्शन को आप प्लस के फॉर्म में लिख सकते हो, तो प्लस के फॉर्म में लिखोगे तो क्या आएगा, ऐसे आएगा ना, तो आप अब इन दोनों को ऐड कर लो, तो 1 1 7 आ गया और साथ में मिक्स फ्रैक्शन 1/3, तो आप ये 1/3 ऐसे लिखा,
ये थोड़ा इजी रहेगा आप लोगों के लिए, तो ऐसे आप लोग कर लो, ये खामोखा ये पंगा करने की जरूरत नहीं है इतना बड़ा, ठीक है। ये कैलकुलेशन थोड़ा सा टफ हो जाएगा, तो आपने क्या करना है, ये फ्रैक्शन आपने प्लस कर लिए, 8/6 आ गया। आप चाहो तो यहाँ भी कंसलेशन कर लेना, 2 से कंसलेशन करने से क्या आ रहा है, 4/3 आ रहा है, तो 4/3 जो है ना वो भी एक्चुअली 1/3 होता है, ठीक है। तो आप यहाँ तो 1/3 लिख के 1 को आप 1/16 में ऐड कर लो, एंड 1/3 जो है ये यहाँ पे लग जाएगा, बन गया नेक्स्ट फ्रैक्शन। अब आप यहाँ पे क्या लिखोगे, टोटल डिस्टेंस वी हैव टू ड्राइव इक्वल टू 117/3 किलोमीटर, ये आप कंक्लूजन लिख देना। या फिर ये स्टेटमेंट लिख के अब एडिशन स्टार्ट कर दो, टोटल डिस्टेंस वी हैव टू ड्राइव इक्वल टू करके आप ऐसे करके स्टार्ट कर दो कैलकुलेशन। तो इस तरह से आप इसको कैलकुलेट करके निकाल सकते हो। ओके डन, मेरे ख्याल से फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और फिर ये बार बार आप देखो, मैं बीच बीच में हमेशा आप लोगों को कुछ कुछ कैलकुलेशन का टेक्निक दिखाता रहता हूँ, आप लोगों को जैसा कैलकुलेशन का टेक्निक अच्छा लगे आप उसी को यूज करना, ठीक है। आप लोगों को नो डाउट आता होगा आप लोगों को, बट मैं बीच बीच में अगर कोई टेक्निक दिखा रहा हूँ तो वो आपका टाइम काफी सेव हो सकता है, तो उन मैथड्स को आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है। चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, हमारा अगला केस स्टडी हो गया। यस, ये हमारा अगला केस स्टडी है, द टेबल शोज द पोर्शन ऑफ सम कॉमन मटेरियल दैट आर रिसाइकल्ड, ठीक है। ये टेबल में कुछ ऐसे मटेरियल को दिखाया गया जिनका रिसाइकल होता है। अभी यहाँ पे आपको ये दिखाया गया कि कितना हिस्सा रिसाइकल होता है, पेपर का कितना हिस्सा रिसाइकल होता है, तो 5/11 पोर्शन, मतलब मान लो 11 पोर्शन अगर पेपर है तो उसका सिर्फ 5 पार्ट ही रिसाइकल होता है, रेस्ट आर नॉट रिसाइकल। तो इस तरह से हर एक मटेरियल का रिसाइकल परसेंटेज या रिसाइकल रेशियो यहाँ दिया हुआ है। एल्यूमिनियम एवरी 8 में 5 पोर्शन जो है रिसाइकल होता है, 3 पोर्शन रिसाइकल नहीं हो पाता। ग्लास का 2/5 पार्ट रिसाइकल होता है, स्क्रैप मतलब लोहा वगैरह जो है बेकार, कबाड़ जो बोलते हैं हम लोग उनको, उनमें से 3/5 3/4 पार्ट रिसाइकल होता है, ठीक है। अभी हमें यहाँ पे सवालों के जवाब देने, तो हमारा जो पहला सवाल है वो है, इज द रैशनल नंबर एक्सप्रेस द अमाउंट ऑफ पेपर रिसाइकल मोर देन हाफ और लेस देन हाफ। तो यहाँ पे पेपर के लिए जो रैशनल नंबर दिया गया है कितना दिया गया है, 5/11 दिया गया है, क्या ये रैशनल नंबर मोर देन हाफ है और लेस देन हाफ है। तो ऐसे देखा जाए तो देखो 11 का जो है ना हाफ होता है 5.5, और ये वैल्यू उससे लेस दिया हुआ है, आधा से कम दिया है, तो आप क्या बोलोगे, लेस देन हाफ बोलोगे। इसमें सिंपल सा कैलकुलेशन है, हाफ का आधा, 11 का आधा करो, 10 का आधा कितना होता है, 10 का आधा होता है 5 ना, और ये 11 है तो एक ज्यादा, एक का आधा 0.5 होता है, तो क्या हुआ 5.5 हुआ ना, 11 का हाफ 5.5 हुआ और ये 5 है, तो 11 जो ये 5/11 है वो हाफ से कम है, मतलब 5.5 से कम है 5, इसका मतलब हाफ से कम है, क्योंकि ये मान लो 5.5/11 होता तो एग्जैक्टली हाफ होता, लेकिन ये 5 है जो 5.5 से छोटा है, मतलब हाफ से कम है, तो इसका मतलब ये जो है लेस देन हाफ है इतना, तो मतलब पेपर जो है वो आधा से भी कम रिसाइकल होता है। Which item have recycled amount less than half? किसका किसका recycle amount half less than half है? तो अभी हमने देखा जो पेपर है उसका recycle amount जो है वो less than half है। अब देखो यहाँ 8 का हाफ क्या होता है, 4 होता है, राइट? तो अगर एग्जैक्टली हाफ की बात करें तो 4/8 होता, लेकिन ये क्या 5/8, तो ये हाफ से ज्यादा है, ठीक है। वहीं पर अगर यहाँ पे 5 देखे, 5 का हाफ कितना होता है, 2.5 होता है, 2.5/5 ये होता तो एग्जैक्टली हाफ माना जाता, लेकिन 2 क्या है, 2.5 से लेस है, मतलब ये हाफ से कम है। या 4 का आधा क्या होता है, 2 होता है, तो अगर 2/4 होता तो एग्जैक्टली हाफ होता, लेकिन ये क्या 3 है, 2 से भी ज्यादा है, तो इसका मतलब ये जो है ज्यादा है हाफ से। तो अभी मुझे हाफ से कम कहाँ मिला, यहाँ मिला और पेपर में मिला, ये दो जगह हमें हाफ से कम मिला। तो आप यहाँ पे बोले ना विच आइटम, तो आप लिख देना इन पेपर एंड ग्लास, क्या बोलते, पेपर एंड ग्लास आइटम हैव अ रिसाइकल अमाउंट लेस देन, ऐसे कर दो, ठीक है। पेपर एंड ग्लास आइटम्स हैव अ रिसाइकल अमाउंट लेस देन हाफ, इन दोनों में लेस देन हाफ रिसाइकल होता है। नंबर सी में क्या बोला, इज द क्वांटिटी ऑफ एल्यूमिनियम कैन रिसाइकल मोर
मोर देन हाफ ऑफ द क्वांटिटी ऑफ एल्यूमिनियम कैंस। तो अभी यहाँ पे पूछा है जो एल्यूमिनियम का है उसका जो रिसाइकल अमाउंट है क्या वो मोर और लेस देन हाफ है, मोर है या लेस देन हाफ है, ये पूछा है। मतलब एग्जैक्टली नंबर वन जैसा ही है, उसमें पेपर के बारे में पूछा था, अब ये नंबर सी में जो पूछा जा रहा है वो एल्यूमिनियम के बारे में पूछ रहा है कि उसका जो रिसाइकलिंग हो रहा है क्या वो मोर है ना लेस है देन हाफ ऑफ द क्वांटिटी। तो आप देखते हैं यहाँ पे हमने क्या देखा था, हाफ होता तो क्या होता, 4/8 होता है ना, 4/8 हाफ होता, 1 का आधा होता है ना 4, तो 4/8 तो हाफ होता, लेकिन ये क्या है 5 है, 5 is more than 4, 4 से ज्यादा है, मतलब ये हाफ से ज्यादा है। तो आप क्या बोलोगे, बोलोगे मोर, ठीक है। द क्वांटिटी ऑफ एल्यूमिनियम कैन रिसाइकल मोर देन हाफ ऑफ द क्वांटिटी ऑफ एल्यूमिनियम कैन, ठीक है। तो एल्यूमिनियम कैन में जो रिसाइकलिंग क्वांटिटी है वो मोर देन हाफ है, ओके। तो आप इसमें मोर करोगे, ओके डन। नंबर डी चलते हैं, नंबर डी में क्या बोला, अरेंज द रेट ऑफ साइकिलिंग ऑफ मटेरियल फ्रॉम द ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो आपको ग्रेटेस्ट से स्मॉलेस्ट में जाना है, तो ग्रेटेस्ट से स्मॉलेस्ट करने का हम एक तरीका कर लेते हैं, हम एक काम करते हैं, नॉर्मल जो तरीका होता है कई सारे फ्रैक्शंस को अगर हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना हो तो उस वो तरीका हम लोग इसमें करते हैं, ठीक है। तो पहले हम सारे डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेते हैं, 11, डिनोमिनेटर 8, अगला डिनोमिनेटर क्या है 5 है, और उसके बाद लास्ट डिनोमिनेटर क्या है 4 है, राइट। हमने सारे डिनोमिनेटर लिए, अब हम एलसीएम निकालते हैं, अब हम डिवाइड करेंगे, देखो यहाँ पे डिवाइड 4 से हो रहा है, 11 नहीं जाता 4 से, तो 11 एज इट इज, 4 से 8 को जा रहा है 2, 4 से 5 को नहीं जाता एज इट इज कॉपी, एंड 4 को 4 से डिवाइड करेंगे 1। नाउ अभी यहाँ पे कोई भी नंबर और फर्दर डिवाइड नहीं होता तो हमें इसे छोड़ देना चाहिए, मतलब कम से कम मिनिमम 2 नंबर तो डिवाइड जाना ही चाहिए, 2 से ज्यादा जा रहा है अच्छी बात है, मतलब आपको ऐसा डिवाइजर ढूंढना होता है जिससे कम से कम 2 नंबर जाना चाहिए, 2 से ज्यादा जाए तो बहुत बढ़िया है लेकिन कम से कम 2 नंबर तो डिवाइड जाना चाहिए। तो हम यहाँ पर मैक्सिमम 2 ही नंबर डिविजिबल दिख रहे थे 4 से, और इसके अलावा और डिवाइड नहीं जा रहा था, तो हमने 4 से डिवाइड कर दिया। अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एलसीएम मिलेगा, तो 4 into 11 44, एंड 2 5 10 44, 44 और 10 को मल्टीप्लाई कर लो तो हमें जो एलसीएम निकल के आ रहा है इसमें वो 440 मिल के आ रहा है, ठीक है। 4 into 11 44, 2 5 10 44, एंड 10 440, ओके। तो अभी हम सबको एक काम करते हैं, बनाते हैं सबका डिनोमिनेटर इस एलसीएम के बराबर बनाते हैं, चलो ये रहा फर्स्ट नंबर, इसको हम कैसे बनाएंगे 440। तो एक काम करो, ये जितने सारे हमने नंबर मल्टीप्लाई किया था ना उसमें से आप इस 11 को छोड़ दो, इस 11 को अगर हम छोड़ दें क्या हमारे पास बचता है 4, 2 और 5, तो 2 5 होता है 10, और इधर 4 मल्टीप्लाई कर दो हुआ 40, ओके। तो हम इसमें कर देते हैं 40, जिससे डिनोमिनेटर में 40 into 11 440 हो जाता है, और ऊपर में भी सेम करो क्योंकि ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का रूल है, आप जितना नीचे मल्टीप्लाई करोगे न्यूमरेटर में उतना ही करोगे, तो ये बन जाता है 220, एक मिनट 220 200 200 बनते हैं दोस्तों, 200 5 4 20 200, और नीचे हो गया 440। चलो ये नंबर में निकल गया, इसमें करते हैं, इसमें 8 कैसे आएगा, 8 में कितना मल्टीप्लाई करने से 440 आएगा, तो ये देखो यहाँ पे ना 8 बनाओ, 4 2 8, राइट। अभी इनको हटाने से क्या बचता है 11 और 5 बचता है, तो कितना हुआ इनका प्रोडक्ट 4, देखो ये 4 2 8 को आप अलग कर लो, 4 2 8 अलग हो गया, 8 इधर मौजूद है, यहाँ 8 मौजूद है, बचा कितना 11 और 5, 55 बचा, तो आपको 55 यहाँ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लगा दो 55, 55 लगाओ, ऊपर भी लगाओ 55, तो ऊपर कितना हो गया 275, मल्टीप्लाई अच्छी तरह से करना, हाँ नीचे हो गया 440 हो गया, और यहाँ करते हैं, चलो यहाँ पे बनाते हैं 440, कैसे बनाएंगे, ये नीचे यहाँ क्या है 5 है, तो आप ये 5 को अलग कर दो, बाकी सारे नंबर एक साथ मल्टीप्लाई कर दो, कितना बना ये 4 2 8 हो गया, 8 into 11 88 हो गया, तो आप ना 88 मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है 88 मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे 88, और ऊपर भी 88, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया 176 divided by 440 ऐसे, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर करो, यहाँ पे 4 है तो 4 के साथ कैसे करेंगे, ये 4 अलग कर लो, ये हो गया बाकी सारे नंबर 11, 2 और 5, 2 5 10 होता है, 10 into 11 100 and
110 ऊपर भी लगाओ तो ऊपर बन गया 330 डिवाइडेड बाय 440। इस तरह से सारे डिनोमिनेटर 440 हो गए। अब आपको यहाँ अरेंज करना ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो सबसे बड़ा आपको क्या मिल रहा है यहाँ पे, ग्रेटेस्ट 330। तो 330 कहाँ से आया, 3/4 से आया। 330 के बाद इससे जस्ट छोटा कौन सा आ रहा है, 275 आ रहा है, और वो आ रहा है 5/8 से, 5/8। ठीक है, ये इस तरह हम ग्रेटेस्ट से स्मॉलर बना रहे हैं। इससे छोटा कौन है, तो 275 के छोटे कौन आ रहा है, 200 आ रहा है। 200 किससे आ रहा है, 5/11 से आ रहा है, तो 5/11। ओके, और इससे छोटा, सबसे छोटा कौन है, 176, ये बन रहा है 2/5 से, तो 2/5। तो इस तरह से हमने अरेंज कर दिया। तो अरेंज द रेट ऑफ साइजिंग ऑफ मटेरियल फ्रॉम ग्रेटेस्ट टू स्मॉलर, तो ये हमारा आंसर निकल गया। ओके, समझ में आ गया, सारा क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया। इस तरह से केस स्टडी के क्वेश्चंस आते हैं। कैलकुलेशन बहुत चालाकी से करो, टाइम आपको कम लगेगा। हाँ, इससे भी अच्छे अच्छे मेथड अगर आपके पास है, वेल एंड गुड, बहुत अच्छा। ठीक है, मैं अपने साइड से कोशिश करता हूँ कि आप लोग के लिए इजी एंड लेस टाइम टेकन मेथड यूज कर सकूं, तो उस हिसाब से मैं करवाता हूँ, बेस्ट मेथड सेलेक्ट करके आप लोग के लिए बताने की कोशिश करता हूँ। तो इसी तरह जुड़े रहो मेरे साथ, एंड नेक्स्ट मंडे को भी हम लोग क्लास करेंगे। मंडे को एमसीक्यू एंड एक्सेप्शन रीजनिंग पे क्लास होगा, तो आप लोग कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस करते रहो। एमसीक्यू, केस स्टडी और एक्सेप्शन रीजनिंग, ये आपके सॉलिड रहेंगे। अगर रेगुलर करते रहोगे तो आप लोग का जो कंसेप्ट है वो बहुत अच्छी तरह से क्लियर होगा। एग्जाम से 2 दिन पहले पढ़ने से उतना क्लियर नहीं होगा, उतना आप इसमें एक्सपर्ट नहीं बनोगे, लेकिन रेगुलरली थोड़ा 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 अगर आप लोग करते रहते हो तो आप एग्जाम तक बहुत अच्छा एक्सपर्ट बन जाओगे। ठीक है, तो लगे रहना मेरे साथ। नेक्स्ट हम लोग मिलते हैं मंडे को। राम राम।